हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फिर स्टार्ट हो गया। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं सोहेल अहमद टीवी। तो भाई आज है आपको जो है वो एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव इंशाल्लाह वीडियो देंगे जो कि रिंग के बारे में होगी। रिंग की बेहतरीन वीडियो आज होने वाली है, रिंग मैनेजमेंट के बारे में, जो कि लपट बेबीज़ को हम रिंग डालते हैं उसकी वीडियो इंशाल्लाह आज आपको जो है वो बना के दिखा रहे हैं। और बहुत इसमें इन्फॉर्मेशन है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ रिंग मैंने बनवाए हैं, ठीक है, अपने सेटअप के लिए। तो मैं आपको रिंग क्लोज भी करके दिखाऊंगा, और ये रिंग जो है वो अल्बिनो रेड आई के बच्चे को हम डाल के भी आपको दिखाएंगे कि रिंग कैसे डालते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे को, और कितनी एज का बच्चा हो तो हम रिंग उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और रिंग डालने के फ़ायदे क्या है, हम रिंग क्यों डालते हैं, ठीक है, खामा खाई का खर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि रिंग सस्ता नहीं है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको रिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर उसके बाद जो है बच्चे में जो है वो रिंग हम डालेंगे। या आप रिंग देखें, ये क्लोज करके अगर आपको नज़र आए, ये देखें, ये रिंग मैंने बनवाया SB एवरी के नाम से। ये आपको फोकस करके दिखाऊं, ये देखें SB एवरी, ठीक है, ये SB एवरी है। उसके बाद रिंग में जो है वो 2021, क्योंकि 2021 में मैंने बनवाया, और ये रिंग नंबर 30 है। जैसे एक से लेकर 100 तक मैंने बनवाया ये रिंग, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रिंग को। और रिंग ये कितने का बना है ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं 100 रिंग से 99 है, एक मैंने डाल दिया बच्चे ने, एक दूसरा डालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, 99 रिंग से। तो चले बच्चा जो जिसको रिंग डालना है वो बच्चा आपको दिखाते और किस तरीके से रिंग डालते हैं इंशाल्लाह वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके से आपने रिंग डालना है, क्योंकि रिंग जो है वो हम डालते हैं छोटे बच्चे में, उसकी टांगें जो है वो बहुत नाजुक होती है, अगर ज़रा सा भी आगे पीछे आपने उंगली थोड़ी सी सख्ती की तो उंगली टूट भी सकती है और ज़ख्मी हो सकता है बच्चा। तो चले अल्बिनो रेड आई के बच्चे को हम रिंग डालें। ओके व्यूअर्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा बच्चा है, इसको मैं ऑलरेडी रिंग डाल चुका हूँ, और ये जिसकी अभी पिनें निकल रही हैं, नहीं नहीं इसमें रिंग डालना है, ठीक है। अब मादी अंदर बैठी है, बहुत ख़तरनाक मादी है, बहुत एग्रेसिव है, ज़रा सा भी अगर आप हाथ डालो ना अंदर, ये काटने को आती है भाई, ये आप चेक करें। ओ तेरी, ये मादियाँ जो है ना एग्रेसिव जो होती है मादियाँ, तो ये मादियाँ समझ लें कि बहुत बेहतरीन होती है, ये आप इनको ऐसे नहीं समझें, ये बच्चे ऐसे पालेगी, अगर चार चार बच्चे भी आप इसको देंगे ना तो वो बड़ी मेहनत से पालती है ये मादियाँ, ठीक है, इसका ये जो होता है सीन। तो मादी को जो है वो अब निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे तो हम हाथ डाल के बच्चा नहीं निकाल सकते, अगर ये चिपक गई उंगली में तो ये तो खून निकाल देगी। चले पहले जो है वो बच्चे को निकालते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो भाई ये आप देख सकते हैं बच्चा मैंने निकाल लिया बा। अब ये बच्चे की एज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 दिन का बच्चा है, 11 दिन से लेके 15 दिन तक, ये 4 दिन होते हैं, इसके अंदर आप जो है वो किसी भी दिन रिंग डाल सकते हैं, ठीक है। अगर 15 दिन से ऊपर एज हो जाती है, 16 17 18 दिन, तो फिर क्या मसला हो जाता है कि फिर वो रिंग जाती नहीं है आसानी से, मसला करती है। ये आप देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह आँखें भी खुल गई हैं, और इसके अलावा इसके पिन फीडर भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं, देखिए पिने परों की निकलना स्टार्ट हो गई है। अब जो है वो रिंग डालेंगे, ये हमारे पास रिंग है, रिंग नंबर 2 है, ठीक है, 2 नंबर। रिंग नंबर 1 जो है वो पहले से हमने डाल दिया है इसके बड़े भाई के पाँव में, ठीक है, देखिए माशाल्लाह फीड भी बेहतरीन करवा रही है इसमें। तो रिंग डालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, देखिए रिंग डालने का तरीका क्या है, पहली जो बड़ी उंगलियाँ हैं इसकी, ठीक है, वो आपने खोलनी है, बड़ी उंगली आपने ऊपर रखनी है, ये मैं आपको इस तरीके से करके, ये उंगलियां जो है ना ये मोड़ लेती है, मसला ये हो जाता है, ठीक है, ये देखो, ओके यार, तो ये आप देखें ये रिंग हमने इसमें डाल दिया है, ये वैसे ये देखिए व्यूअर्स, ये 3 बड़ी उंगलियां मैंने डाल दी हैं, ठीक है, 2 ऊपर 1 नीचे। अब आपने ऐसे करके खींचा है, ये खींचा आपने थोड़ा सा ऊपर किया, ये इसका अंगूठा रह जाएगा, तो अंगूठे को पकड़ के आपने बाहर निकालना, बस ये देखें ये रिंग जो है इसको डल गया, ये आप देखें इंशाल्लाह ये अब उतरेगा नहीं रिंग, रिंग ये इसके पाँव में आ गया, जैसे ये बड़ा होता जाएगा तो रिंग जो है वो और बिल्कुल सही होता जाएगा, समझ लेके पक्का हो जाएगा, इसके पाँव में निकलेगा नहीं इंशाल्लाह,
अभी आप देखें, अगर पकड़ के आप खींचेंगे तो रिंग निकलेगा, वरना इंशाल्लाह रिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये रिंग नंबर 2 इसके पाँव में डल गया है। ठीक है, अल्बिनो का बच्चा है ये, रेड आई का माशाल्लाह। तो ये आप देखें, तो इसका बड़ा भाई है, उसको भी मैंने रिंग डाल दिया है। ठीक है, उसके पाँव पर भी रिंग डला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ओके सर, तो ये बच्चा भाई इसके मादी के नीचे है, अब जो है वो मादी छोड़ नहीं रही, ये बच्चा मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। तो चले, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, मैं इसको मटके को अपनी जगह पे लगा देता हूँ। ओके सर, तो भाई जैसा कि आपने देखा कि मैंने रिंग जो है वो बच्चे को डाल दी है। ठीक है, फीमेल बहुत एग्रेसिव थी, मार रही थी, चलो खैर। तो ये मैं आपको रिंग के फ़ायदे कुछ बता दूँ। देखें, रिंग जब आप डालते हैं ना, अब इसकी सारी जो डिटेल होगी, सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ एक रजिस्टर में। ठीक है, बुक कीपिंग कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि भाई फ़लाँ जोड़े का जो है, फ़लाँ नंबर का जोड़ा है, और उसके बच्चों में 1, 2, 3, 4 जितने बच्चे हैं इतने रिंग डले हुए हैं। ठीक है, सबसे फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप DNA करवाएंगे बच्चों का, जैसे महंगी म्यूटेशन की आजकल DNA करवा रहे हैं लोग, अल्बिनो रेड आई की भी करवा रहे हैं, तो DNA जब करवाएंगे तो रिंग नंबर ज़रूरी है। रिंग नंबर होगा तो आप DNA सैंपल में लिखेंगे कि भाई ये फ़लाँ जोड़े का, फ़लाँ रिंग नंबर का ये बच्चा है। ठीक है, तो अगर आपके पाँव, उसके बच्चे के पाँव में रिंग नहीं डला होगा, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि ये DNA सैंपल जो है वो इस बच्चे का था। क्योंकि अल्बिनो तो सारे एक जैसे हैं, वाइट है, रेड आइज है, पता ही नहीं चलता। अगर 10 अल्बिनो एक साथ छोड़ दें तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने पहले कौन सा बच्चा छोड़ा था या आखिर में कौन सा छोड़ा है। तो ये सारा मसला होता है। ठीक है, तो DNA करवाने के लिए रिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये रिंग जो है वो छोटे बच्चों में डलते हैं, बड़े तोतों में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये लेग बैंड है, ये एक दफ़ा आपने डाल दिया बस छुट्टी हो गई। जब तक कोई कारीगर आदमी इसको काटेगा नहीं, उससे वो काटने का एक तरीका होता है, वो फिर अलग बहस है, उस तरीके से काटेगा नहीं जब तक ये निकलेगा नहीं। ये आप निकाल नहीं सकते पाँव जो है वो उतार के, ये काटना पड़ता है इसको। ठीक है, रिंग को, तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है, अगर आप उसके बच्चों की पेयरिंग करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने 10 पट्ठे जो है वो जमा किए अल्बिनो रेड आई के, ठीक है, आपने सब में रिंग डाल दी है। अब 10 पट्ठे जो है वो 3 मुख्तलिफ जोड़ों के, अब 3 जोड़ों के जिसमें से 10 पट्ठों में से कुछ बहन भाई भी होंगे, आपस में सिबलिंग्स होंगे, तो सिबलिंग्स का आपको पता कैसे चलेगा कि ये इसका भाई है। दायरे पट्ठे तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा खेल लेते हैं, कॉलोनी टाइप का, उसके अंदर छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्लाइन करते रहेंगे, साइज अच्छा बनेगा, जैसे ही सीज़न आएगा बड़े होंगे तो मटकी लगाएंगे, पेयर टू पेयर करके निकालते जाएंगे। तो रिंग नहीं होगा पाँव में, आपको पता कैसे लगेगा कि ये जो जोड़ा लगा है ये बहन भाई का लगा है। क्योंकि ज़्यादातर जो देखा गया है कि लबड़ के अंदर जो बहन भाई होते हैं ना, वही साथ साथ जाके बैठते हैं, ठीक है, बचपन से, और जोड़ा भी आपस में लगा लेते हैं। अगर रिंग डला हुआ होगा, आपको पता होगा, आपके पास बुक कीपिंग होगी, आपके पास सारा एक लेजर होगा, ठीक है, सारा आपके पास जो है वो रिकॉर्ड होगा कि भाई ये मेरा मिसाल के तौर पे पेयर नंबर C4 है। ठीक है, C4 मेरा पेयर है, इसके 4 बच्चे निकले थे। ठीक है, 4 बच्चों में 1, 2, 3, 4 रिंग डले हुए हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 रिंग डले हुए हैं, ये 4 बच्चे C4 के। ठीक है, अब आपस में अगर 1 से लेकर 4 तक कोई भी आपस में जोड़ा लगाएगा, आपको पता चल जाएगा ये बहन भाई। ठीक है, आप फौरन रिकॉर्ड करके, नहीं यार ये बहन भाई का जोड़ा है, जोड़ा तोड़ो फौरन, क्योंकि बहन भाई का जोड़ा लगाना बेकार है। जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा तो लग जाएगा, 1-2 कलर सही भी आएंगे, आगे जाके साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि बच्चे जो है वो कंडम निकलना शुरू हो जाएंगे, पढ़ नहीं होंगे, दम नहीं होंगे, साइज अच्छा नहीं होगा, कैल्शियम की कमी, वो जेनेटिक का मसला आ जाएगा सर। ठीक है, अलग अलग पेयर के अगर बच्चे उठा के आप लगाएंगे, जैसे 1 से लेकर 4 तक एक पेयर के बच्चे थे, अब 5 से लेकर 6-7 तक दूसरे पेयर के, तो हम क्या करेंगे, रिंग नंबर 1 को रिंग नंबर 5 से 6 से इस तरीके से करके हम पेयर अप कर देंगे। तो ये सारी डिटेल में समझाने का ये फ़ायदा, आपको ये मकसद था कि रिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है, रिंग डालें आप, एक शनाख्त भी हो जाती है कि भाई ये क्लास आप के जो है वो सेटअप के बच्चे। ठीक है, भाई ये जो बच्चे हैं रिंग डला हुआ है, SB एवरी सोहेल बर्ड। ठीक है, ये भाई सोहेल भाई के जो है वो घर के पट्टे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक शनाख्त भी हो जाएगी कि भाई रिंग डला हुआ है तो पता है कि भाई ये सोहेल भाई के घर के पट्टे। ठीक है, वरना अगर आप एक साथ छोड़ दें लोटिनों को, अल्बिनों को, या म्यूटेशन के कुछ बर्ड को, पता ही चलता कि कौन सा इसके घर, तो ये सारा मसला होता। तो भाई ये आपको बताना था। ठीक है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किस तरीके से लेजर मेंटेन करते हैं, ठीक है, इनका किस तरीके से जो है आपने लिखना है, शेड्यूल
के तौर पे कि भाई ये जो है वो पेयर है, इसके इतने एग आए, इतने फर्टाइल हुए, इतने इनफर्टाइल हुए, ठीक है, इनके जो है वो बच्चों में रिंग्स वगैरह डली है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आने वाली किसी वीडियो में मैं ज़रूर समझाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अपने साथ में मेंटेन कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर चीज़ें बताई जाएंगी। तो फिर व्यक्ति इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात यह है कि रिंग मैंने बनवाया 100 रिंग से, ठीक है, 25 रुपये का एक रिंग बनाया मैंने, ठीक है, 25 रुपये के हिसाब से रिंग मैंने बनवाया, 100 रिंग 2500 रुपये। नेक्स्ट वीडियो में बहुत याद रखिएगा।